हम लोग आज कुछ प्रश्न हल करेंगे जिसका संबंध द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग इनसे होगा। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 0.8 c है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 0.8 c है, इसकी कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का मान निकालें। इसकी कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के मान निकालें। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, कुल ऊर्जा हम लोग लिखते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट 1 - v² / c², जिसमें ये विराम द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन, चूंकि कहा गया है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान पक्का पता है, एम नॉट इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 × 10⁻³⁹ kg, और सी स्क्वायर से अगर गुना कर दें, एम नॉट सी स्क्वायर जो इसकी रेस्ट मास एनर्जी विराम द्रव्यमान ऊर्जा है उसको अगर लिखेंगे तो ये इतना, और इसको गुना करेंगे सी के स्क्वायर से अर्थात 9 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इतने से। तो ये जो संख्या आ रही है एम नॉट सी स्क्वायर, ये एम नॉट और ये सी स्क्वायर, ये जूल में आ रही है, आप इसको गुना कर दें तो ये 81.9 ऐसा, और यहाँ 10⁻⁰ ऐसा इतने जूल, या लगभग 8.2 × 10⁻¹⁴ जूल। लेकिन अक्सर जब हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पसंद करते हैं, और इतने जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बदल दें तो ये कुछ 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है और कुल ऊर्जा जो है वो इतनी है, तो इसलिए कुल ऊर्जा को अगर आप लिखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो इसे एम नॉट सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 511 kV बटा स्क्वायर रूट 1 - v/c। तो ये वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की इतनी बताई गई है, v/c का मतलब होगा 0.8, तो अर्थात ये 0.8 का स्क्वायर ऐसा, और ये 0.6 है, ये 0.64 एक से घटाकर 0.36, 0.6, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा 0.6। तो इसको आप हल कर सकते हैं कि ये कितना बनेगा, ये 8 और 5 और फिर 1 दशमलव कुछ, लगभग 852 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल ऊर्जा इसकी 852 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। रेस्ट मास एनर्जी जो है विराम द्रव्यमान ऊर्जा वो इतनी है, जो बची हुई है वो गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा के, ये टोटल एनर्जी जो है कुल ऊर्जा, और उसमें से आप रेस्ट मास एनर्जी को घटा लें
ये है गतिज ऊर्जा, तो अर्थात 852 और -511 इतने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बनता है 341 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा काम आप जूल में भी कर सकते थे, यहाँ 511 केईवी की जगह पर इतने जूल लिख करके ये काम करते तो आपको सारे उत्तर जूल में मिलते। तो ये कुल ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा के मान हुए। अगर आप इसी का रेखीय संवेग भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इस सवाल को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि इसके रेखीय संवेग का मान भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसी इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग लिखें तो आपको ध्यान है रेखीय संवेग हम लोग लिखते हैं पी बराबर एम नॉट वी और बटा स्क्वायर रूट 1 - v² / c². अगर आप इसको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप एम नॉट सी स्क्वायर और फिर यहाँ v/c² बटा स्क्वायर रूट 1 - v² / c². ये एम नॉट सी स्क्वायर है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्ट मास एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी। v/c 0.8 है तो 0.8 यहाँ पे, और एक c और है इसको हम यहाँ पर बटा c ऐसा लिखते हैं। और ये तो फैक्टर हम लोगों ने निकाल रखा है, ये फैक्टर 0.6 है तो ये 0.6 ऐसा। तो अर्थात 511 गुना 8/6 इतने KeV/c। ये अक्सर रेखीय संवेग के यूनिट के रूप में इस्तेमाल होता है। जो ज़्यादा काम करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो रेखीय संवेग को किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड जो उसके SI यूनिट है उसकी बजाय KeV/c या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी, इसको एक रेखीय संवेग की यूनिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप SI यूनिट्स में ही जानना चाहें तो कोई समस्या नहीं है, आपको ये किलोग्राम में एम नॉट पता है, मीटर प्रति सेकंड में आपको वी पता है क्योंकि 0.8 c है, सी का मान पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये करके आप उसमें भी निकाल सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड में भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल लें हम, इसको अगर आप जो हमारी जो नॉन रिलेटिविस्टिक फार्मूला हमने पढ़ा है अपने न्यूटोनियन डायनामिक्स में काइनेटिक एनर्जी के लिए, उसके लिए भी आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी आती है। अगर आप गतिज ऊर्जा को उस सूत्र से लिखें ½ mv², ये नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, ये तो अगर इसको करें हाफ और फिर से हम वैसा ही करेंगे m, अब चूंकि हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए एक ही मास है, और m नॉट सी स्क्वायर और गुना v² / c² ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये हाफ इंटू 511 KeV और v/c, यहाँ आपको पता है ये v है इसलिए v/c ये 0.8 है तो ये 0.8 की जगह उसका स्क्वायर करना है तो 0.64 ऐसा, और इसको आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कितना आता है 511 इंटू 0.32। तो ये कुछ 100 कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकल करके आने वाला है, आप गुणा करके देख सकते हैं इसको जितना भी आता है उतने किलो इलेक्ट्रॉन KeV, कुछ 160, 150, 170 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आने वाला है। तो आप देखें कि जो गतिज ऊर्जा उसकी वास्तव में है वो 341 KeV है और यहाँ जो मिल रही है वो उसके लगभग आधी मिल रही है, तो बहुत फ़र्क है। अगर स्पीड ज़्यादा है
तो जो हमारी ये इक्वेशंस हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, हमें रिलेटिविस्टिक इसमें जाना पड़ेगा। अगला एक सवाल और देखें, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वन पॉइंट जीरो टू एम ई वी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए इसकी चाल और संवेग रेखीय संवेग निकाले, तो गतिज ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये बड़ी अच्छी संख्या यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है वो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा, और इसी का ये दुगना है, 1.02 ऑलमोस्ट इसका दुगना है, तो अर्थात ये कहा जा रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है वन पॉइंट ज़ीरो टू एम ई वी वो टू टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर, ये इतनी गतिज ऊर्जा है, और फिर हमें इसकी चाल चाहिए और इसका रेखीय संवेग चाहिए, तो हम कुल ऊर्जा लिख सकते हैं यहाँ से, विराम द्रव्यमान ऊर्जा हमारे पास है, गतिज ऊर्जा हमारे पास है, तो अगर हमने इनको जोड़ दिया तो हम कुल ऊर्जा लिख सकते हैं, और ये एम नॉट सी स्क्वायर और ये टू एम नॉट सी स्क्वायर, तो अर्थात ये बन गया थ्री एम नॉट सी स्क्वायर, और कुल ऊर्जा आपको पता है, कुल ऊर्जा का जो हमारा रिलेटिविस्टिक सूत्र है वो इसके लिए है, कुल ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारी कुल ऊर्जा होती है, और ए बराबर थ्री एम नॉट सी स्क्वायर है, ये बराबर थ्री एम नॉट सी स्क्वायर है, अर्थात यहाँ से अगर आप लिखें तो इस एम नॉट सी स्क्वायर को काट दें, वन बाय स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये थ्री है, और इसलिए ये स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये वन बाई थ्री है, और वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये वन बाई नाइन है, और इसलिए वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये एट बाई नाइन है, तो चाल v आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एट बाई थ्री टाइम्स c, इसका वर्गमूल निकालें, v बाई सी बराबर स्क्वायर रूट एट बाई थ्री, तो v बराबर ये इतना स्क्वायर रूट एट बाई थ्री टाइम्स c, ये इसकी वेलोसिटी है, टू रूट टू ऐसा भी लिख सकते हैं बाई थ्री इंटू सी, ये इसकी वेलोसिटी, ये इसकी चाल है, और रेखीय संवेग, रेखीय संवेग कैसे लिखते हैं हम, पी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेखीय संवेग लिखा हुआ है, चाल हमें पता हो गई है, और इसलिए इसको यहाँ हम रख दें इस सूत्र के अंदर में, तो हम पी लिख सकते हैं, तो पी बराबर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका हमें लिखना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी चीज़ आप सीख सकते हैं कि एम नॉट सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के लिए 511 केईवी है, और यहां से आप लिख सकते हैं एम नॉट बराबर
511 केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा सी स्क्वायर, ऐसा। इस सी स्क्वायर को आप इस केईवी के साथ में लगा दीजिए। ये जो है ये भी द्रव्यमान की एक यूनिट की तरह इस्तेमाल होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमईवी बाई सी स्क्वायर या केईवी बाई सी स्क्वायर या ईवी बाई सी स्क्वायर। तो ईवी बाई सी रेखीय संवेग और ईवी बाई सी स्क्वायर द्रव्यमान, तो ये भी एक प्रचलित यूनिट है इसके लिए। तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एम नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 511 केईवी बाई सी स्क्वायर, और उसके बाद वी है तो वी हमने अभी यहाँ पर निकाला है, ये देखिए ये वी निकाला है, उसकी जगह हम वी की जगह लिख सकते हैं 2√2/3 टाइम्स सी, ये हो गया। और उसको 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से गुणा करना है, और 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी बाई सी स्क्वायर 3 है, इसको 3 से और गुना करना है ऐसा। तो आप देखें क्या क्या हो गया, ये 511 गुना ये 2√2 और गुना ये 3, 6√2 लिख सकते हैं आप, बल्कि 3 से इस 3 को आप काट सकते हैं, और ये 2√2 यहाँ पर, और यूनिट क्या बनी, एक सी से सी स्क्वायर के एक सी को आप काट डालिए, तो इसकी यूनिट बन गई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी। तो ये इसका रेखीय संवेग बना। आप इसको एसआई यूनिट्स में भी बना सकते हैं, जूल वगैरह लेकर, किलोग्राम्स वगैरह लेकर के, तरीका यही होगा, प्रोसीड्योर यही होगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एक आपेक्षिक द्रव्यमान हमने चर्चा की थी, रिलेटिविस्टिक मास की, तो उसको भी फिर से याद कर लें। एक कण का आपेक्षिक द्रव्यमान इसके विराम द्रव्यमान का पांच गुना है, तो इस कण की चाल बताएं। तो आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि ये आपेक्षिक द्रव्यमान या रिलेटिविस्टिक मास, ये हम लिखते हैं एम नॉट बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसके लिए, और ये आपेक्षिक द्रव्यमान विराम द्रव्यमान का पांच गुना है, अर्थात ये 5 टाइम्स एम नॉट है, ऐसा कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये 5 के बराबर है, अर्थात स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये 1/5 के बराबर है, अर्थात 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये 1/25 के बराबर है, अर्थात वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये 24/25 के बराबर है, और इसलिए V बाई सी ये स्क्वायर रूट 24/5 इसके बराबर है, और इसलिए आप यहाँ से इसका V लिख सकते हैं, V बराबर स्क्वायर रूट 24/5 और इनटू सी। और अगर आप इसका पूरा मान निकालें 24/5 स्क्वायर रूट 24/5 इंटू 3 इंटू 10^8 मीटर प्रति सेकेंड, और ये हल करके आएगा करीब 2.939 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड। तो मुख्य संदेश ये है कि जैसे जैसे आप
इसके करीब पहुंचते जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है उसके आप करीब पहुंचते जाते हैं, तो उसका जो आपेक्षिक द्रव्यमान है वो बढ़ता चला जाता है, और जितना करीब पहुंचते हैं उतना तेज़ी के साथ में बढ़ता है। और अगर आप वी बराबर सी रखने की कोशिश करें तो ये आपेक्षिक द्रव्यमान अनंत हो जाता है। तो वी बराबर सी हम किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपेक्षिक द्रव्यमान का अनंत होने का मतलब है कि उसकी जो कुल ऊर्जा है उसका भी अनंत हो जाना। इसी को सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगी, और उसका मतलब है कि हम जो उसमें बल लगा करके और उसको गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो भी इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसलिए हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल को और इस सी से ऊपर नहीं ले जा सकते। फिर हमने एक पूरे कन्वर्शन की भी चर्चा की थी कि जो द्रव्यमान है वो ख़त्म हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उसको भी हम उसके लिए भी लिख सकते हैं। यदि एक ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो कितनी ऊर्जा मिलेगी? हमारे जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसके अंदर में इसी तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। तो आपको पता है कितनी ऊर्जा मिलेगी अगर आप द्रव्यमान को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जितना मास आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आप इसको गुणा कर लें। तो 1 ग्राम का मतलब है 10^-3 किलोग्राम, और C के स्क्वायर का मतलब है 9×10^16 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। सारी चीज़ें अगर आप SI यूनिट्स में लिखेंगे तो परिणाम स्वयं SI यूनिट में ही मिलेगा, अर्थात हमने अगर मास लिखा है SI यूनिट में, स्पीड लिखी है SI यूनिट में, तो गुणा करने पर जो आएगा वो जूल में आएगा, वो एनर्जी है तो जूल में आएगा, SI यूनिट जूल है। तो ये इतना 9×10^13 जूल्स, ये इतनी ऊर्जा इसमें से मिलेगी। एक और सवाल देखें। दो कण जिनमें से प्रत्येक का विराम द्रव्यमान m नॉट है, दो कण जिनमें से प्रत्येक का विराम द्रव्यमान m नॉट है, विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, प्रयोगशाला से देखने पर प्रत्येक की चाल 0.6 C है, प्रयोगशाला से देखने पर प्रत्येक की चाल
0.6C है। वे आपस में टक्कर कर एक संयुक्त कण बना लेते हैं। वे आपस में टक्कर कर एक संयुक्त कण बना लेते हैं। इस संयुक्त कण का विराम द्रव्यमान ज्ञात करें। दो कण जिनमें से प्रत्येक का विराम द्रव्यमान m नॉट है, विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो यानी एक कण ऐसा, इसका भी विराम द्रव्यमान m नॉट, इसका भी m नॉट, विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। और प्रयोगशाला से देखने पर प्रत्येक की चाल 0.6C है। ये प्रत्येक की जो चाल है ये 0.6C है, इसकी भी चाल और इसकी भी चाल। वे आपस में टक्कर कर एक संयुक्त कण बना लेते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो दोनों मिलकर के एक सिंगल कंबाइंड पार्टिकल बन जाता है। तो टक्कर के पहले की ये परिस्थिति है, टक्कर के बाद की परिस्थिति ये हो गई कि दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त कण बना लिया। ये है टक्कर के पहले और ये है टक्कर के बाद। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस संयुक्त कण का विराम द्रव्यमान ज्ञात करें। तो पहले तो हम ये देखें कि जब ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और इनके विराम द्रव्यमान बराबर है, इनकी जो चाल है वो भी बराबर है, तो इसलिए इसका जो रेखीय संवेग है और इसका जो रेखीय संवेग है वो भी बराबर होगा। और वो रेखीय संवेग विपरीत दिशाओं में है और मान में बराबर है, इसलिए कुल रेखीय संवेग बराबर जीरो। टक्कर के पहले कुल रेखीय संवेग बराबर जीरो। और रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, टक्कर के पहले जितना रेखीय संवेग, टक्कर के बाद भी उतना ही रेखीय संवेग, इसलिए यहां भी रेखीय संवेग जीरो होना चाहिए। और यहां अब एक ही पार्टिकल है और उसका रेखीय संवेग हमें जीरो होना चाहिए, अर्थात इसकी जो चाल है वो जीरो होनी चाहिए। क्योंकि रेखीय संवेग हम कैसा लिखते हैं, रेखीय संवेग हम लिखते हैं पी बराबर एम नॉट वी बटा स्क्वायर रूट 1 - v² / c² ऐसा लिखते हैं। तो अगर रेखीय संवेग जीरो है तो इस v को जीरो होना आवश्यक है, नहीं तो फिर ये एम नॉट के ऊपर कुछ बात आएगी। तो यानी टक्कर के बाद ये संयुक्त कण विराम अवस्था में रहता है, उसका जो v है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, वो जीरो है, ताकि रेखीय संवेग जीरो हो। और इसलिए अभी जो इसका द्रव्यमान है वो आपेक्षिक द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान एक ही है, और वो मान लेते हैं हम m नॉट, ये इसका टक्कर के बाद विराम द्रव्यमान है। अब हम टोटल एनर्जी को देखें, कुल ऊर्जा को देखें। कुल ऊर्जा भी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में उतनी ही रहनी है। ये इन इलास्टिक कोलिजन है, ये कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ऊर्जा का ह्रास हो गया है, ऊर्जा है, कुल ऊर्जा बराबर है।
तो यहाँ जो कुल ऊर्जा है उसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखें, और यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टक्कर के पहले कुल ऊर्जा 2 × इसकी कुल ऊर्जा प्लस इसकी कुल ऊर्जा, और बराबर तो होगी ही इसलिए 2 × और इसकी कुल ऊर्जा कैसे लिखेंगे, m0c² और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 − v² / c², ऐसा। ये इसकी कुल ऊर्जा है, पहले पार्टिकल की ये कुल ऊर्जा है और दोनों पार्टिकल्स के मिलकर के ये कुल ऊर्जा है। और टक्कर के बाद अगर लिखें ये क्या कुल ऊर्जा है, ये इसका जो ये विराम द्रव्यमान है × c², क्योंकि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर इसमें जब लिखेंगे तो इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी ज़ीरो लिखेंगे, तो ये इतना, अर्थात ये बराबर होना चाहिए m0c². और यहाँ से आप इस m0 का मान पता कर सकते हैं। इस m0 का मान पता करने के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, 2 × c² को तो काट ही डालें, और क्या बचा, 2m0 बटा स्क्वायर रूट 1 − v² / c², और v हमें पता है 0.6c, तो v बाई सी है 0.6, तो अर्थात 0.6 का स्क्वायर, तो ये हो गया, और बराबर m0, यही संयुक्त कण की का विराम द्रव्यमान है, तो ये कितना बन गया, 2m0 और बटा 0.8, और ये हो गया 2.5 m0। तो यानी इसका संयुक्त कण का जो विराम द्रव्यमान था वो पहले जो दोनों कण का विराम द्रव्यमान था उसके जोड़ से अधिक है, m0 और m0, इसका द्रव्यमान m0, अगर ये रेस्ट में है इसका विराम द्रव्यमान m0, इसका भी m0, लेकिन जो दोनों मिलकर बने हैं वो 2.5 m0, ऐसा। तो जो गतिज ऊर्जा यहाँ थी वो गतिज ऊर्जा यहाँ गायब हो गई है, इन इलास्टिक कोलिजन है, गतिज ऊर्जा गायब हो गई है, लेकिन गायब नहीं हुई है, वो उसकी कुल ऊर्जा में समाहित हो गई है, और वो कुल ऊर्जा अब उसकी रेस्ट मास एनर्जी बन गई है, तो रेस्ट मास बढ़ गया है, तो ये ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, उसका रेस्ट मास में कन्वर्शन हो गया है, उस ऊर्जा का द्रव्यमान में कन्वर्शन हो गया है, और यहाँ का रेस्ट मास यहाँ के रेस्ट मास की अपेक्षा अधिक है।